हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय से ही नहीं बल्कि पुराने समय से ही बहुत से लोगों को टीचर बनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ लोग समाज को शिक्षित करना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि एक टीचर को काफ़ी ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सबके लिए इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है और आप कौन से लेवल का टीचर बनना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टीचर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि टीचर बनने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि टीचर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को पढ़ाने का काम करता है और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, हर स्टूडेंट अपने टीचर को मार्गदर्शक मानते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर कामयाबी हासिल करता है। इसीलिए एक गुरु को हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे ऊँचा दर्जा दिया गया है। अगर आप भी इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से शिक्षित कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होने के साथ साथ आपकी इंटरेस्ट के बारे में भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्योंकि कई बार लोग टीचर तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट में टीचिंग करना चाहते हैं। तो यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि टीचर बनने के लिए तैयारी कैसे करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना होगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चुनें और उसमें मन लगाकर पढ़ाई करें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि टीचर बनने के लिए केवल एक ही तरीका नहीं होता है क्योंकि टीचर कई प्रकार के होते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट को ये निर्णय लेना होगा कि उनको कैसा टीचर बनना है, यानी कि 12वीं के बाद टीचिंग कोर्स करना है या फिर ग्रेजुएशन के बाद। दोस्तों, टीचर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एनटीटी टीचर, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, टीजीटी टीचर इत्यादि। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को टीचर बनने के प्रोसेस के बारे में जानकारी दे देता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, बात करें एनटीटी टीचर की तो एनटीटी का फुल फॉर्म नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है और यहाँ पर आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स को छोटे बच्चों के साथ खेलना, समय बिताना इत्यादि पसंद होता है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी टीचर बनना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एनटीटी टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, यानी कि एनटीटी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, जो एनटीटी टीचर होते हैं उन्हें जो सैलरी मिलती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कैंडिडेट को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है या फिर सरकारी स्कूल में। आपको बता दें कि एक नर्सरी टीचर को हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। दोस्तों, बात करें जेबीटी या प्राइमरी टीचर की तो जो कैंडिडेट जेबीटी या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके जानकारी के लिए बता दें कि जेबीटी का फुल फॉर्म जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होता है। इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स को वही कैंडिडेट करते हैं जो लोअर एलिमेंट्री लेवल स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप चाहें तो डीएड या फिर डीएलएड कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, जेबीटी टीचर बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जैसे कि कैंडिडेट कम से कम 12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या फिर बोर्ड से पास किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट ने जेबीटी का 2 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने पीआरटी एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट की एज मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, कैंडिडेट को कंप्यूटर की जानकारी
जानकारी होने के साथ साथ इंग्लिश के भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि प्राइमरी टीचर को हर महीने उनकी योग्यता के अनुसार जो सैलरी मिलती है वो 20,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर कैंडिडेट को किसी भी सरकारी स्कूल में टीचिंग करने का मौका मिलता है तो उसे सरकार के द्वारा कुछ अन्य सुविधाएँ भी मुहैया कराई जाती हैं। दोस्तों बात करें टीजीटी या सेकेंडरी टीचर की, तो सेकेंडरी टीचर या फिर टीजीटी टीचर बनने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट बीएड किया हुआ होना चाहिए। और यहां पर आपको बता दें कि टीजीटी का फुल फॉर्म ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है और इस तरह से छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम टीजीटी टीचर करता है। और इस प्रकार से अगर आपको सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो आप बीएड कर सकते हैं। दोस्तों जो कैंडिडेट सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं इसके लिए उनके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए और ग्रेजुएशन में स्टूडेंट ने कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हुए होना चाहिए और कैंडिडेट की एज 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए और इंटरेस्टेड कैंडिडेट ने बीएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जरूरी है कि टीचर ने सीटीईटी या फिर टीईटी एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो टीजीटी टीचर होते हैं उन्हें जो सैलरी मिलती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसी सरकारी स्कूल में टीचर हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि दोनों जगहों पर अलग अलग सैलरी पैकेज उनको मिलती है। वैसे अगर एक एवरेज सैलरी की बात की जाए तो कैंडिडेट को स्टार्टिंग में 20,000 से 35,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। दोस्तों बात करें पीजीटी टीचर की, तो अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी टीचर बनना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ बीएड की डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि पीजीटी का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। और अगर कोई कैंडिडेट किसी सरकारी स्कूल में पीजीटी टीचर के तौर पर काम करना चाहता है तो ज़रूरी है कि उसने पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए। और दोस्तों पीजीटी टीचर बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट बीएड डिग्री धारक होना चाहिए और कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल तक हो सकती है। और दोस्तों सरकारी स्कूल सरकारी टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट सीटीईटी या फिर टीईटी एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। और दोस्तों अब आपको हम बता दें कि जो एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर होता है उसे हर महीने जो सैलरी मिलती है वो 45,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। और आपको यहां पर बता दें कि ये सैलरी उनके 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाता है और ये हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। दोस्तों बात करें टीचर बनने के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स की, तो जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं और टीचर की तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि टीचिंग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होती हैं। और अब मैं आप लोगों को टीचर बनने के लिए कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती हैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ये एग्ज़ाम्स हैं सीटेट एग्ज़ाम, टीएटी एग्ज़ाम। बात करें सीटेट एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसको सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। और इस एग्ज़ाम में वो लोग भाग लेते हैं जो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी टीचर की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आप पहले ये तय कर लें कि आपको प्राइमरी स्टेज के पेपर में भाग लेना है या फिर एलिमेंट्री स्टेज के। दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि अगर आप पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो तब आपको प्राइमरी स्टेज पेपर 1 में शामिल होना पड़ेगा। वहीं अगर आप कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो तब आपको एलिमेंट्री स्टेज पेपर 2 में भाग लेना होगा। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों ही पेपर 150-150 मार्क्स से होते हैं जिनमें कैंडिडेट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
दोस्तों बात करें TET एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि TET का फुल फॉर्म टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट ये जानकारी लेना चाहते हैं कि टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी ये कैसे करें, तो उससे पहले उन्हें इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना जरूरी है, जिससे कि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से कर सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में दो तरीके के पेपर होते हैं, पहला उनके लिए जो लोअर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और दूसरा उनके लिए जो प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। इस तरह से जो कैंडिडेट लोअर प्राइमरी टीचर यानी कि पेपर वन में भाग लेते हैं, इसके लिए उन्हें 150 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। इसके लिए उन्हें 2.5 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों ठीक इसी तरह से जो कैंडिडेट अपर प्राइमरी TET एग्ज़ाम में भाग लेते हैं यानी कि पेपर टू में भाग लेते हैं, उनको भी एग्ज़ाम के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।